Ibrahim, dear students assalamu alaikum. i hope you all will be enjoying a good health students we are going to start 4.4 today in our previous exercise we have learned about factorization and uh, today we are going to solve the uh, applications of SART. फर्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजिंगटर किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे किया जाता है टू एलिमिनेट अ डिनोमिनेटर फ्री ऑफ एनी सर यानी कि अगर हम किसी टर्म के डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म कर दें तो इस मेथड को रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर कहते हैं इस मेथड के लिए हम क्या करते हैं हम सेम टर्म जो कि डिनोमिनेटर में आ रही हो सर सेम टर्म के कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जिससे ये डिनोमिनेटर जो है वहाँ से सर्ट ख़त्म हो जाता है लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो उसका कॉन्जुकेट नहीं लेते बल्कि एज इट इज़ उसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है थ्री ओवर अंडर रूट थ्री इसमें डिनोमिनेटर जो है उसके अंडर अंडर रूट थ्री है हम अंडर रूट थ्री को कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर होगा और अंडर रूट जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में थ्री बचेगा तो यही मेथड हमने मैंने यूज़ किया है गौर से देखें लास्ट लाइन है थ्री इंटू अंडर रूट थ्री ओवर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर यानी अंडर रूट थ्री को ऊपर भी और अंडर रूट थ्री को नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है नीचे वाला अंडर रूट थ्री स्क्वायर की फॉर्म में आके क्योंकि तो दो अंडर रूट थ्री थे तो वो स्क्वायर हो गया और वो कैंसिल आउट होकर थ्री रिमेनिंग है और ऊपर वाला फैक्टर थ्री इंटू अंडर रूट थ्री है थ्री थ्री से अगेन कैंसिल हो गया और हमारे पास अंडर रूट थ्री रिमेनिंग है बच्चों ये क्वेश्चन जो जो एग्जाम्पल मैंने समझाई है आपको सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करना है क्वेश्चन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें तमाम क्वेश्चन ही एक ही मेथड के हमने जस्ट कॉन्जुगेट फाइंड करना है टू फाइंड द कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ आ सर्ड हमारे पास क्वेश्चन है टू प्लस अंडर थ्री इसमें हमारे पास अंडर थ्री जो वैसे तो पूरा पूरी टर्म ही एक सर्ड है लेकिन हम अंडर वोट वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारा सर्ड है वो उसका कॉन्जुगेट हासिल होगा तो टू माइनस अंडर रूट थ्री इज द काजुगेट ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें हमने वन ओवर एक्स फाइंड करना है गिवन है एक्स इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री लेकिन जब हम एक्स को वन ओवर एक्स में कन्वर्ट करेंगे मीन्स रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड है टू प्लस अंडर थ्री वो भी वन ओवर टू प्लस अंडर थ्री की फॉर्म में चली जाएगी तो जब इस शक्ल में जाएगी तो बच्चों हमारा ये तो डिनोमिनेटर में सर्च आ जाएगा तो ये इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो उसका वही मेथड है कांजू लेंगे पहले और कांजू से टू प्लस अंडर रोड थ्री का जुड़ लेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे वही हमने किया है तो ऊपर आया टू माइनस अंडर रोड थ्री और नीचे है टू प्लस अंडर रोड थ्री इन टू टू माइनस अंडर रोड थ्री डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी फार्मूला जो है उसको हम कम्प्लीट करेंगे जो कि ए स्क्वा माइनस बी स्क्वा है टू का स्क्वायर फोर और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए जी बच्चों तो हमारे पास नीचे बचा फोर माइनस वन जो कि वन होता है वन को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते इसलिए हमने टू माइनस अंडर रूट थ्री ही लिखा है और ये आंस है वन ओवर एक्स का यूं बच्चों हमने हमारे पास एक्स था टू प्लस अंड रूट थ्री और जब हमने उसको उसे वन ओवर एक्स निकाला और उसको रैशनलाइज किया तो हमारे पास आया टू माइनस अंडर थ्री नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री का ही थर्ड पार्ट है जिसमें वो आपसे कह रहा है कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करें बच्चों सबसे पहले हम वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में अभी फाइंड किया जो कि था टू माइनस अंडर वोड थ्री उसको और टू प्लस अंडर वोड थ्री दोनों को ऐड करेंगे तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो वो विल गेट टू प्लस अंडर वोड थ्री प्लस टू माइनस अंडर वोड थ्री तो अंडर वोड थ्री माइनस अंडर वोड थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टू प्लस टू जो कि फोर होता है आंसर आएगा यूँ बचो हमने यहाँ पे सीखा है कि जब हम किसी सर्ड को वन ओवर में लेके जाएंगे तो उसको रेशनलाइज़ करना पड़ेगा यानी उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो रैशनलाइज किए बग़ैर हम उसको ऐड नहीं कर सकते जब रेशनलाइज कर लिया फिर हम उसको ऐड करेंगे तो ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल करेंगे और जो जो होगा वो हमारा आंसर होगा इसी तरह बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर फाइव है अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव कर रहे हैं उसमें यही क्वेश्चन है बस हमने वहाँ फाइंड करना है एक्स माइनस वन ओवर एक्स तो सेम क्वेश्चन को देखें हम मूव कर गए हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फर्स्ट पार्ट पे ओके उसमें हमने x और वन ओवर एक्स को माइनस करना है लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर फाइव आएगा आपको इस तरह तो पहले आपने वो जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने वन ओवर एक्स फाइंड किया है पहले वो फाइंड करेंगे फिर सबट्रैक्ट करेंगे जी बच्चों जो यहाँ पर फाइंड हमने फाइंड करना है एक्स माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास एक्स है टू प्लस अंडर रूट थ्री और वन ओवर एक्स है टू माइनस अंडर रूट थ्री जब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे दैन वो मिल गया टू प्लस अंडर वोट थ्री माइनस टू प्लस अंडर वोट थ्री यानी हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म हैं थ्री वाली और एक प्लस और एक माइनस वाली टर्म है टू माइनस टू तो टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गए और दो टर्म्स हैं वो दोनों प्लस हो रही हैं तो वो टू टाइम्स हो, हो जाएगी जब हम दो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो देर कॉफिशेंट्स आर एडेड अप तो यहाँ पे अंडर रूट थ्री अंडर टू अंडर थ्री बन जाएगा नेक्स्ट है बच्चों हम कर रहे हैं बी पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का उसमें वो एम एक्स माइनस वन ओर एक्स का होल स्क्वायर पूछ रहा है बच्चों सबसे पहले वही हम काम करेंगे अगर ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड से जो कि हम आज जो आज हमने सीखा है आज पूरा लेक्चर हमारा ये एक्स से वन ओवर एक्स और उसकी रैशलाइजेशन के गिरद ही घूम रहा था <coughs> हमने एक्स हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू वन ओवर एक्स की वैल्यू मौजूद है दोनों को हमने सब किया हमारे पास आंसर आया ये प्रीवियस स्लाइड में अभी हम हमने किया ये हमारे पास आंसर आया टू एंड टू अंडर रूट थ्री अब हमने उसका स्क्वायर लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो जो एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा टू का स्क्वायर एंड अंडर रूट थ्री का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर एंड अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बिकॉज अंडर रूट एंड स्क्वासल आउट फोर मल्टीप्लाई थ्री इज इकल टू ट तो बच्चों हमारा ट्वेल्व इसमें आंसर है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आप प्लीज़ जो है प्रैक्टिस भी करें और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी किया करें थैंक यू सो मच